सो हे गाइस, इस वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए मैट्रिक्स की एक सुपर ट्रिक, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन जिन्हें एडजॉइंट निकालना होता फटाफट से करने वाले हो। गाइस, इस ट्रिक से आप एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स में भी मूव ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन हुआ मैंने। आपने कहा सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट होगी वो आपको मैट्रिक्स के जस्ट नीचे नोट कर देनी, 3 2 0। फिर जो सेकंड रो दी उसको भी नोट कर देना, 2 4 1। इतना करने के बाद जो फर्स्ट कॉलम बनेगा ना उसको मैट्रिक्स के जस्ट आगे नोट कर देना, ये वाला वाला, तो नोट कर लेते हैं 3 2 1 3 2। फिर क्या करना, ये जो सेकंड कॉलम है इसको नोट कर देना यहाँ पे, 2 4 1 2 4। आप क्या करना, आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देना इस तरह से। फिर आप जैसे को फैक्टर निकालते हो ना, इसका इसका मल्टीप्लाई करके एंड इसका इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हो, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हो फिर सब्ट्रैक्ट इसको कर देते हो। तो वही काम करना आपने, 4 × 0 0 − 1 × 0 0 होगा 0, ठीक है। फिर आप इसका करोगे तो 1 0 हो जाएगा, फिर −0 0 हो गया, एंड आप इधर से मल्टीप्लाई करते हुए होगे एंड इसको इस साइड में लिखते चले होगे, ये हो जाएगा 0 − 0 0। इस तरह से इधर करोगे तो 0 − 0 0, इस तरह इधर करोगे 0 − 0 0, इस तरह से इधर करोगे तो 0 − 0 0, इस तरह से इधर करोगे तो 2 − 4 − 2, इस तरह से इधर करोगे तो 2 − 3 − 1, इस तरह से इधर करोगे तो 12 − 4 8। दैट विल बी योर एडजॉइंट, डायरेक्टली आप एडजॉइंट निकाल सकते हो इस ट्रिक से, एंड योर आंसर विल बी ए। थैंक यू।